तो ये मिलेगा तकरीबन 4000 का मिलेगा, 4000 रुपए का मिलेगा, ये 4000 का मिल जाएगा आपको, ये आपको पड़ जाएगा 8500 रुपए का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफाकत कियानी और आज मैं एक बार फिर पर्ल कंप्यूटर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ है शाहिद भाई। तो आज हम आप दोस्तों के लिए सस्ते से सस्ते जितने भी सिस्टम हैं, डेस्कटॉप टावर, वो सारे लाए हैं और आज शाहिद भाई से पूछते हैं कि इनके पास कम से कम प्राइस में ये कौन सा हमें सिस्टम दे सकते हैं। तो सबसे कम प्राइस में शाहिद भाई जो हमने सिस्टम रखा है वो सबसे कम जो लास्ट वाला है वो कितने की प्राइस पड़ेगी मिनिमम आपके पास? जो है हमारे पास जो सबसे सस्ता कंप्यूटर है ना वो डेस्कटॉप में होता है, ठीक है। उसके अंदर हम कोर i3 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर लगाते हैं, 4GB की रैम लगाते हैं, उसके 250GB की हार्ड लगाते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट में पड़ा हुआ है, हाँ ये कौन सी i3 की सेकंड जनरेशन? ये i3 सेकंड जनरेशन में है डेस्कटॉप में, ठीक है। तो इसके स्पेक्स क्या है और कितने में पड़ेगा? ये कोर i3 सेकंड जनरेशन होता है, 4GB रैम है, 250GB की हार्ड ड्राइव होती है इसके अंदर, ये आपको पड़ जाएगा 8500 रुपए का, ठीक है। तो इसमें वैसे हम SSD वगैरह भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऑप्शन होती है, ठीक है। और ये रैम कहाँ तक सपोर्ट करता है? ये 16GB तक रैम चलाता है। 16GB अगर इसी में सेकंड जनरेशन में रहते हुए i5 में चले जाएँ या 7 में चले जाएँ तो प्राइस में कितना फ़र्क पड़ेगा? इसी में अगर आप i5 लगाते हैं तो ये आपका 3000 रुपये ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर 7 में लगाएं तो फिर वो? अगर आप i7 इसी के अंदर लगाना चाहते हैं लेकिन चलेगा सेकंड जनरेशन इसके अंदर, ठीक है ना, वो तकरीबन 8000 रुपये का फ़र्क आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसी में आप ये टावर भी पड़ा हुआ है तो टावर की क्या प्राइस है? यही अगर सेम स्पेक्स आप लेते हैं ना इसी में ही i3 सेकंड जनरेशन, 4GB की रैम लेते हैं आप इसके अंदर तो 250GB की हार्ड, तो ये सर आपको पड़ जाएगा 11500 रुपये का, ठीक हो गया, 11000 का पड़ेगा। अब इससे नेक्स्ट जनरेशन जो है ये कौन सी थर्ड जनरेशन है? ये भी थर्ड जनरेशन हमने रखा हुआ है इसमें, ये भी डेस्कटॉप में आ जाता है। तो ये इसके स्पेक्स थोड़े से बता दें और इसकी प्राइस कितनी है? ये i3 थर्ड जनरेशन है, इसमें 4GB रैम है, इसमें 500GB की हार्ड ड्राइव हो जाती है, ठीक है, ठीक है। ये आपको पड़ जाएगा 10000 रुपये का, 10000 का पड़ जाएगा। और इसी में अगर i5 में चले जाएं या 7 में करें डेस्कटॉप में ही रहते हुए तो प्राइस में कितना फ़र्क पड़ेगा? इसी में अगर आप i5 लगाएंगे तो आपका फ़र्क आएगा 4000 रुपये का, ठीक है। और इसी में अगर आप लगाते हैं i7 थर्ड जनरेशन, ठीक है, तो वो आपका फ़र्क आएगा 10000 रुपये का, 10000 का फ़र्क आ जाएगा। और इसमें रैम कितनी, 4GB लगी? 4GB रैम है, 500GB। वैसे 4GB की जो सिंगल स्टिक है वो कितने की है? 1600 रुपये की है, ठीक है। और 8GB में अगर सिंगल हो तो उसकी कितनी प्राइस है? वो 3500 रुपये की होती है, ठीक हो गया। इसी में रहते हुए अगर हम इसमें चले जाते हैं फिर टावर में थर्ड जनरेशन में जी, तो कितना फ़र्क आएगा प्राइस में? इसी में अगर आप टावर में जाते हैं ना तो ये 13500 रुपये का पड़ेगा सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, कोर i3 थर्ड जनरेशन, 4GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव। अच्छा, डेस्कटॉप की कितनी बताई थी? ये 10000 रुपये, ठीक है। और टावर में जाएँ तो 13500 रुपये, 13500 बन जाएगी, ठीक है। 3500 का फर्क आ जाएगा, 3500 टावर का, ठीक है। प्रोसेसर तो दोनों में सेम ही लगता है? दोनों में सेम है, वो भी i3 थर्ड जनरेशन से लेके i7 थर्ड जनरेशन तक चलाएगा, टावर वाला भी i3 थर्ड से लेके तो i7 थर्ड तक तीनों प्रोसेसर चलाएगा। सभी में SSD की ऑप्शन वगैरह है, वो अवेलेबल है, ठीक है, वो लग जाती है। नेक्स्ट जो आता है उसके बाद कौन सी फोर्थ जनरेशन है? ये फिर फोर्थ जनरेशन आ जाता है आपका, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन ये जो डेस्कटॉप है ये पड़ा हुआ जी, जी। तो इसके क्या स्पेक्स है और ये कितने में कास्ट करेगा? ये रफाकत भाई इसमें जो है i3 फोर्थ जनरेशन है, 4GB रैम है इसमें और 500GB हार्ड है, ये स्टैंडर्ड स्पेक्स है इसके अंदर भी। ये आपको पड़ जाना है डेस्कटॉप वाला जो है 12500 रुपए का, ठीक है। इसी में अगर आप ये टावर वाला लेते हैं ना, देखें शेप सबकी एक है, हाँ, लेकिन जनरेशनों का फर्क है। सेकंड जनरेशन की भी शेप एक ही है, थर्ड की भी एक है, फोर्थ की भी एक है, ठीक है। अगर ये आप फोर्थ जनरेशन में अगर टावर लेते हैं ना डेल का i3 फोर्थ जनरेशन, 4GB रैम, 500GB की हार्ड ड्राइव, तो ये 16000 रुपए का पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। इसी में अगर आप फर्ज करें i5 लगाते हैं तो i5 का जो फर्क है वो 7500 रुपए का, ठीक है, सॉरी 7000 रुपए का फर्क डाल लेंगे, ठीक है। तो वही रैम का जो फ़र्क है, जिसने रैम ज़्यादा करानी है 1600 या 1800 ऐड हो जाएगा 4GB का। अगर मतलब 16000 रुपये जो आपने बताया ये टावर का है ना, ये टावर का है, टावर और जो डेस्कटॉप है वो 12000, वो 12000 का बनेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सी जनरेशन? फिर हमारे पास जो है ये दो PC हैं, ठीक है, ये एक HP में होता है, ठीक है, ये देखें आप, फिर ना इसमें ये रफाकत भी होता है डेल का, ठीक है। ये दोनों ना 6th जनरेशन के होते हैं, ये वाले दोनों डेस्कटॉप में होते हैं, ठीक है। इसमें i5 6th जनरेशन भी चल जाता है, i3 भी चलता है और i7 भी चलता है, ठीक है ना। तीनों जनरेशन इन पे नहीं, जनरेशन एक है,
प्रोसेसर तीन है वही मतलब फाइव हो तो या सेवन हो हाँ वो चलते हैं इनमें अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको स्पेक्स दूंगा ना इसमें आई फाइव सिक्स जनरेशन होगी, 8 GB की रैम होगी, 500 GB की हार्ड ड्राइव होगी। ये आपको पड़ेगा 27,500 रुपये का सिक्स जनरेशन, चाहे डेल ले लें चाहे HP ले लें जो मर्जी ले लें। ठीक हो गया। और सेवन में i7 में अगर इसमें अगर i7 में जाएंगे तो फर्क बहुत ज्यादा आ जाता है। ये जो प्रोसेसर है ये 14,500 रुपए का है, तो अगर आप i7 6 जनरेशन का लेते हैं वो 32,000-33,000 इस तरह 30,000 प्लस ही है वो। ठीक है चिप सिर्फ प्रोसेसर की बात हो रही है, ये 14,500 रुपए का i5 6 जनरेशन और वो 30+ ही i7 6 जनरेशन। ठीक है। अच्छा ये जितने भी सिस्टम है इनको अगर हम जो कस्टम केसिंग होती है गेमिंग वाली RGB इनके मदरबोर्ड उनमें तो नहीं लगते? नहीं, ये डेल HP जो होता है ना ये ब्रांडेड में लगेंगे, ये कन्वर्टेबल ये नहीं होते। जी जी ठीक हो गया। तो 128 GB की जो SSD है यूज में उसकी भी क्या प्राइस मार्केट में चल रही है? वो 3200 के आसपास चल रही है। और 256 की वो 5200, ये ब्रांडेड की आप प्राइस बता रहे हैं? ब्रांडेड की पुल्ड वाली जो होती है। ठीक हो गया। अच्छा ये जो भी लास्ट में हमने रखा है ये सबसे सस्ते वाला जी जी, ये कौन सा है और इसकी क्या प्राइस है? ये ना कोट डू होता है, शेप कोई भी हो सकती है कोट डू में, चाहे ये शेप हो या कोई भी शेप हो। ठीक है, डेस्कटॉप में मतलब प्रोसेसर कोट डू, प्रोसेसर कोट डू होगा चाहे डेल हो चाहे HP हो, उसके बाद ये शक्ल ये हो या कोई भी हो। ठीक है ना, वो मैं इसमें आपको 2 GB रैम और 160 GB हार्ड ड्राइव के साथ 4,000 रुपये का दूंगा। अच्छा अच्छा भाई, ये सिस्टम है जो जो बंदे कुछ होते हैं जो सस्ता बिल्कुल काम चलाने वाला काम करते हैं, कोई ऑफिस वर्क करना या छोटा मोटा, तो ये मिलेगा तकरीबन 4,000 का मिलेगा? 4,000 रुपये का, ये 4,000 का मिल जाएगा। छोटा मोटा को काम करना है, सिर्फ वीडियो देखनी है या बच्चों के लिए चाहिए तो 4,000 का ये सिस्टम मिल जाएगा आपको। इसमें कितनी 2 GB रैम? 2 GB रैम, 160 GB हार्ड है। इसमें SSD की ऑप्शन होती है या नहीं? कोट डू में लग जाती है ना SSD, तो किसी भी कंप्यूटर में आप लगा सकते हैं। होता है ना अलग से मदरबोर्ड में ऑप्शन होती है इनमें। आप मकसद है कि मदरबोर्ड के अंदर देखें चार वो होती हैं, पोर्ट्स होती हैं साटा की। ठीक है ना, उसी साटा वाली साटा वाली में ही लगाएं आप। SSD भी एक प्लस करना चाहिए तो वो छोटी सी होती है, वो किसी जगह पे भी एडजस्टमेंट हो जाती है, हार्ड ड्राइव के साथ भी एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, वो ऐड हो जाती है। तो ठीक हो गया। तो दोस्तों यार, शॉप का कॉन्टैक्ट और एड्रेस जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इनमें से कोई भी अगर आप चीज़ परचेज करना चाहें तो शॉप पर विजिट कर सकें। शॉप इनकी है उमेर सेंटर में है। शॉप नंबर क्या है सर जी? 124 6 रोड रावलपिंडी में। ठीक है, अपर ग्राउंड फ्लोर पर है। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, शॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप डिलीवर करते हैं अगर कोई करना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।